तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव, और आ चुका हूँ आपके लिए एक जानकारी और एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज आपको जो कि बता रहे कि आज आपके लिए यूके PSC ने क्या दिया है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यही प्यार बना रखिए जिसे आप बना रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आनंद भाई, हमारे मनवीर भाई, संदीप करेड़ा भाई, जो कि 4,264 पदों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस भर्ती पे मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है। और बाकी आनंद भाई हैं, BRP और CRP भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं भाई जी, अभी तो कोई जानकारी की नहीं मिली है। बाकी पुलिस कॉन्स्टेबल जो जानकारी मेरे हाथ है, मैं आपको जानकारी देते रहूँ। तो देखिए आज के अखबार में क्या रखा है, तो देखिए, तो ध्यान से देखिए। तो शारीरिक परीक्षा के लिए मानक बदलेगी सरकार। तो देखिए, अब आपके शारीरिक परीक्षा में मानक के शारीरिक परीक्षा के कड़े कड़े मानक बदलेगी सरकार। कड़े मानक मतलब, या आपका फिजिकल कड़े का मतलब ये है कि आपका फिजिकल अब थोड़ा सा हल्का होने वाला है। ये देखिए, ये लिख रखा है शारीरिक परीक्षा के लिए कड़े मानक बदलेगी सरकार, या कड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बदलेगी सरकार, कड़े मानकों को शायद अब कम होने वाले हैं। तो देखिए आज क्या न्यूज है UK SSC की ओर से। तो कार्मिक विभाग के शारीरिक परीक्षा पर विभागों से मांगे सुझाव। तो देखिए, उत्तराखंड देहरादून, विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती में शारीरिक परीक्षा के मानकों को समय के अनुसार आसान किया जाएगा। तो देखिए, अब आपकी वर्दीधारी परीक्षाओं में परीक्षा के मानकों के लिए समय के अनुसार आसान होगा। तो देखिए, अब आपका फिजिकल थोड़ा आसान होने वाला है भर्ती पदों में। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं। तो देखिए, कार्मिक विभाग ने आपके सुझाव मांगे। हिंदुस्तान ने शुक्रवार, हिंदुस्तान अखबार जो कि 10 मई के अंक में विभिन्न शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों का मुद्दा उठाया था। तो देखिए, 10 मई को इन्होंने शारीरिक मानकों का मुद्दा उठाया था। समाचार में यह भी बताया गया था कि इस कारण प्रांतीय रक्षक दल विभाग के लिए UK SSC द्वारा आयोजित की जा रही व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती में पद खाली रह गए हैं। अब कार्मिक विभाग इस समाचार का संज्ञान लेते हुए सभी विभागों से वर्दीधारी के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक परीक्षा के मानकों में जरूरी सुझाव के लिए सुझाव मांगे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो वन विभाग के अधीन फॉरेस्ट गार्ड, तो देखिए मैंने आपको वीडियो बनाई है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी आ सकती है। तो इन्होंने दे दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा जो मैंने वीडियो बनाई है, 50 पद आने वाले हैं, बाकी 1000 पद फॉरेस्ट गार्ड के वीडियो बनाइए और 50 पद आपका ये बनाए, बाकी स्केलर आबकारी प्रबंध विभाग में परावर्तन सिपाही के साथ ही पुलिस विभाग के आदिन सिपाही दरोगा के पदों के शारीरिक परीक्षा के मानक बदले जा सकते हैं। इसके लिए CS आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी वर्दीधारी परीक्षाएं हैं उनके जो कि अब सरकार मानक बदलने जा रही है। तो देखिए आपके लिए अच्छी न्यूज है। तो देख लिया आपने ये अखबार, ये देखिए वर्दीधारी पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती में शारीरिक मानकों में समय के अनुसार आसान किया जाएगा, और जिसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। तो हिंदुस्तान अखबार ने यह मुद्दा उठाया था कि प्रांतीय दल में पद खाली रह गए, जिसके कारण अब थोड़ा फिजिकल आसान होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, स्केलर, आबकारी परिवर्तन सिपाही या साथ ही पुलिस के दरोगा की शारीरिक परीक्षा में जो कि मानक बदले जा सकते हैं और आसान फिजिकल आसान होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी आएगी अपडेट जो मैं आपको न्यू देते रहूँगा, मिलता हूँ। तो दोस्तों, आपका काम होता है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि, उत्तराखंड, जय भारत।